आज के अपने इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों सुपरस्टार सिंगर 2 के सैटरडे स्पेशल के दौरान में क्या स्पेशल मनाया गया, कौन से परफॉर्मेंस हुए हैं, किनका परफॉर्मेंस रहा दुनिया हिला देने वाला, किसे मिला है सुपरस्टार नमस्ते और सारा कुछ जानने को मिलने वाला है दोस्तों। आज का यह एपिसोड बहुत ही दमदार और बहुत ही यूनिक था दोस्तों, जिसे कि सुपर संगम स्पेशल कहा गया। इसमें सुपरस्टार सिंगर के सारे कंटेस्टेंट और साथ ही साथ इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के सुरमा सभी पहुंचे हुए थे और उन सबों के बीच में हमें जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। तो बात करते हैं दोस्तों इन सभी कंटेस्टेंट में से किनका परफॉर्मेंस कैसा था, वह सारा कुछ हम जान पाएंगे। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यह एपिसोड बहुत ही दमदार था। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड के दौरान में, जो कि इस स्पेशल के दौरान में दोस्तों सभी कंटेस्टेंट का हमें सोलो परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जिसमें पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए समारा महाजन आती हैं, जिन्होंने कि दो खूबसूरत से गाने को परफॉर्म किया, जहां पहला गाना तनु वेड्स मनु रिटर्न से था बावरी हूं मैं, तो वहीं दूसरा गाना भी दोस्तों इसी फिल्म से बन्नो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। ये दोनों ही गाने दोस्तों इतने खूबसूरत थे, जिसे कि समारा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में पेश किया और इनके परफॉर्मेंस पर हमारे सभी जजेस और मेहमानों ने जम के तालियां बजाई हैं और इनके परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया। दूसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए शोएब अली आते हैं दोस्तों, जिन्होंने कि तीन गाने को परफॉर्म किया है, जहां पहला गाना फिल्म तलाश से था आजकल मेरी बैर है, तो दूसरा गाना फिल्म सावन में लग गई आग से, उसका टाइटल सॉन्ग था दोस्तों सावन में लग गई आग, और तीसरा गाना तीसरी कसम से चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। ये तीनों ही गाने दोस्तों इतने खूबसूरत और इतने जबरदस्त थे और तीनों ही अलग टाइप के गाने थे दोस्तों, जिसे कि शोएब अली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में पेश किया। पहले तो इसे सुपरस्टार नमस्ते दिया गया, बाद में इनके परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया है। तीसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए दोस्तों अरुणा दास आती हैं, जिन्होंने की फिल्म पड़ोसन का एक चतुर नार बड़ी होशियार इस गाने को परफॉर्म किया। क्या जबरदस्त गाना था दोस्तों, जिसे कि सबों ने जम के तारीफें की हैं। सभी लाफ्टर चैंपियंस हमारे कंटेस्टेंट और साथ ही साथ कैप्टन स्टेज पर चले आते हैं, झुक कर नमस्कार करते हैं और अरुणा दास ने इस गाने को लाजवाब तरीके से पेश किया, जिसकी कि हमारे सभी जजेस और मेहमानों ने जम के प्रशंसा की है। साथ ही साथ इनका परफॉर्मेंस भी दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया। चौथा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आरनंदा बाबू आती हैं दोस्तों, जिन्होंने कि दो खूबसूरत से गाने को पेश किया है। वैसे इनका प्रोमो तो रिलीज नहीं किया गया था, डायरेक्ट टेलीकास्ट किया गया दोस्तों, जिसमें कि पहला गाना फिल्म कयामत से कयामत तक का गजब का है दिन सोचो जरा, और दूसरा गाना फिल्म तमाशा से अगर तुम साथ हो दिल ये सवर जाए। यह गाना इतना सुंदर और इतना बेहतरीन था दोस्तों, जिसे कि स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। अलका याग्निक जी ने इनकी जम के प्रशंसा की है और साथ ही साथ बाकी हमारे सभी जजेस ने भी इनके परफॉर्मेंस को जम के सराहा है। अगला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए दोस्तों प्रांजल विश्वास आते हैं, जिन्होंने कि कैलाशा का तेरी दीवानी इतना खूबसूरत और इतना दिल को छू लेने वाला यह परफॉर्मेंस था दोस्तों, जिसे कि प्रांजल विश्वास ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में पेश किया, जिसकी कि अर्चना जी ने, अलका याग्निक जी ने और साथ ही साथ हिमेश रेशमिया जी ने इतनी तारीफें की हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों प्रांजल विश्वास के इस परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस भी बताया गया। छठा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए प्रत्युष आनंद और रोहन दास आते हैं दोस्तों, जिन्होंने कि दो गाने को परफॉर्म किया, जहां पहला गाना फिल्म गोलमाल से, उसका टाइटल सॉन्ग गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, तो वहीं दूसरा गाना हाफ टिकट फिल्म से ले गई मेरा दिल तेरी चुनरिया। यह गाना इतना बेहतरीन गाना था दोस्तों, जिसे कि प्रत्युष आनंद और रोहन दास ने खूबसूरती के साथ में पेश ही नहीं किया, बल्कि उस गाने के साथ में एक्ट भी करते हुए नजर आए और इनके परफॉर्मेंस को हमारे सभी जजेस और मेहमानों ने जम के तारीफें की हैं और इनके परफॉर्मेंस को भी दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया। अगला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए साइशा गुप्ता आती हैं, जिन्होंने की फिल्म तेजाब से 1 2 3 इस गाने को परफॉर्म किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ में इन्होंने इस गाने को पेश किया, जिससे कि हमारे सभी जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है और अलका याग्निक जी ने इनके परफॉर्मेंस की जम के सराहना की है दोस्तों।
आठवां परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मनी आते हैं और उन्होंने ढोलक का सहारा लेते हुए दोस्तों फिल्म झूम बराबर झूम का टाइटल सॉन्ग झूम बराबर झूम इस गाने को परफॉर्म किया। और इनके परफॉर्मेंस में वो बात थी दोस्तों कि सभी के सभी झूम पड़े, नाचने को मजबूर हो गए। इतनी खूबसूरती के साथ में मनी ने इस गाने को परफॉर्म किया है दोस्तों। और इनके परफॉर्मेंस में जावेद अली जी स्टेज पर चले आते हैं और उनकी जम के प्रशंसा करते हैं और इनके परफॉर्मेंस को भी सुपरस्टार नमस्ते बताया गया दोस्तों। अगला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऋतुराज आते हैं दोस्तों, जिन्होंने कि तीन गाने को परफॉर्म किया, जहां पहला गाना फिल्म आपका सुरूर से ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर, तो दूसरा गाना फिल्म अक्सर से झलक दिखला जा, तो है तीसरा गाना आशिक बनाया आपने। ये तीनों ही गाने दोस्तों हिमेश रेशमिया जी ने जबरदस्त तरीके से गाया था, जिसे कि ऋतुराज ने इतनी खूबसूरती के साथ में पेश किया है, जिसे सुनने के बाद में सबों ने जम के इंजॉय किया है। हिमेश जी स्टेज पर चले आते हैं और साथ ही साथ हमारे सभी बच्चे कैप्टन्स और सभी के सभी झूमने नाचने को मजबूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ हिमेश रेशमिया जी ने भी ऋतुराज के साथ में मिलकर गाने को परफॉर्म किया और इनके परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया। अगला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मोहम्मद फैज आते हैं, जिन्होंने की दो खूबसूरत से गाने को पेश किया, जहां पहला गाना जब वी मेट से तुमसे ही बहुत ही खूबसूरत गाना था दोस्तों, जिसे कि मोहम्मद फैज ने बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश किया। और दूसरा गाना जब हैरी मेट सजल, उसका यह गाना ले जाए ये हवाएं, यह गाना इतना प्यारा और इतना दिल को छू लेने वाला गाना था दोस्तों, जिसे कि मोहम्मद फैज ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में पेश किया और इनके गाने की सबों ने जम के प्रशंसा की है और इनके परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया। बारवां और आखिरी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए दोस्तों चैतन्य वैस आते हैं, जिन्हें की इम्तियाज अली जी स्टेज पर आकर एक जैकेट गिफ्ट करते हैं और पिछले परफॉर्मेंस की उनकी तारीफें करते हुए उन्हें यह गिफ्ट दिया जाता है दोस्तों। और बता दूं कि इन्होंने दो खूबसूरत से और काफी रॉकिंग गाने को परफॉर्म किया है, जहां पहला गाना फिल्म रॉक स्टार से साड्डा हक, तो वहीं दूसरा गाना जब वी मेट से नगाड़ा बजा। ये दोनों ही गाने दोस्तों इतने एनर्जी से भरे हुए गाने थे, जिसे कि चैतन्या ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में और हाई पिच वॉल्यूम के साथ में इस गाने को परफॉर्म किया, जिसे सुनने के बाद में हमारे सभी जजेस, मेहमान, कलाकार, कैप्टन सभी के सभी झूम पड़े, नाचने को मजबूर हो गए। जावेद अली जी स्टेज पर चले आते हैं और साथ ही साथ बाकी सभी बच्चे भी आ जाते हैं दोस्तों और सबों ने मिलकर इस गाने का भरपूर इंजॉय किया है। वहीं अलका जी के रिक्वेस्ट के ऊपर में जावेद अली जी चैतन्या के साथ में मिलकर एक बार फिर से इस गाने को परफॉर्म करते हैं और अलका जी इस परफॉर्मेंस को रॉकस्टार वाला परफॉर्मेंस बताते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कुल 12 परफॉर्मेंस हुए हैं और सभी परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक यूनिक और जबरदस्त थे, जिसमें से कि दोस्तों आपको बता दूं कि कुल 7 परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया, जिसमें से कि समायरा महाजन का, शोएब अली का, अरुणा दास का, प्रांजल विश्वास का, प्रत्युष आनंद और रोहन दास का, मोहम्मद फैज का और साथ ही साथ ऋतुराज का, ये सातों के परफॉर्मेंस को दोस्तों दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि सुपरस्टार सिंगर 2 के सैटरडे स्पेशल के दौरान के आपने जितने भी परफॉर्मेंस देखे हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन और दिल को छू लेने वाला परफॉर्मेंस कौन सा था जिसने आपके दिल को छुआ हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सुपरस्टार सिंगर 2 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।